गुड मॉर्निंग क्लास फोर। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस एंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन। व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या होता है? फेस वैल्यू एनी डिजिट की फेस वैल्यू वो सेम डिजिट होता है। जैसे इस 6 की प्लेस वैल्यू तो 6 है, बट प्लेस वैल्यू डिफरेंस हो सकती है। 6 की फेस वैल्यू भी 6 है और प्लेस वैल्यू भी 6 है, बट इस 7 की फेस वैल्यू, तो फेस इसका 7 ही है तो 7 ही है इसकी फेस वैल्यू तो, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है? 1 stands, तो 70 है, प्लेस वैल्यू है 70। ओके, इस 0 की फेस वैल्यू 0 है और प्लेस वैल्यू भी 0 है। डिजिट 3 की जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी प्लेस कौन सी है? 1 stands 100,000, तो यहाँ पे तो लिखना है आपको 1000, यहाँ पे क्या लिखना है? 1000, प्लेस तो इसका 1000 पे है। ओके, फेस वैल्यू क्या है इसकी? फेस वैल्यू 3 की 3 ही है और प्लेस वैल्यू की हो जाएगी 3 की 3000, क्या हो जाएगी? 3000। ओके, यहाँ पे देखते हैं 1 6 अंडरलाइन 6 है, तो 1 stands, ये कौन सी प्लेस पे? टेंस पे, ये हो गया टेंस पे। 6 की फेस वैल्यू तो 6 ही है और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 60। यस, अंडरस्टैंड? तो ये जो रिमाइंडर क्वेश्चन है आपको, एक क्वेश्चन मैं इसमें से ये करवा देता हूँ। ओके, ये और ये क्वेश्चन आपको खुद कर लेना है। काउंट करेंगे 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh, 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh, तो इसको लिखेंगे 10 lakh। ओके, फेस वैल्यू इसकी 5 की 5, 10 lakhs में कितने जीरो होते हैं? 60। लैक्स में 50 होते हैं, 10 lakhs में 60 होते हैं, तो 50 lakh हो गई है। ओके, अंडरस्टैंड? ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन फोर दिस डिजिट एंड दिस डिजिट। क्या करना है? दोनों डिजिट में हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो है डिफरेंस निकालना है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो है डिफरेंस जो है हमें निकालना है क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू है और क्या है इसकी फेस वैल्यू? ओके, स्टार्ट करते, देखिए ये देखो इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर क्या है, डिजिट क्या है, काउंट करते हैं 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh। ओके, तो डिजिट है आपका 48 96 और 500, ये हो गया 96 and 500। ओके, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ एट क्या हो गई? 3 और 5 0 हो गए पीछे, तो 8 lakh कितनी हो गई? 8 lakh। कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। ओके, स्टार्ट करते, देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर। ओके, तो नंबर है आपका, नंबर इज क्या क्या नंबर है? 48,96,500 48,96,500 डिजिट है ये। ओके, तो इसमें प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 8 की प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8 lakh, ये हो गई 8 lakh। फेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8। ओके, तो डिफरेंस लिखेंगे इसका, क्या करेंगे हम, 8 lakh minus 8, ये यहाँ पे 8, इसका सब्ट्रैक्शन करना है आपको। ओके, तो 10 में से यहाँ से 1 ले लेंगे कैरी, यहाँ लेते लेते आएंगे, 10 में से 8 गया पीछे रहा 2, यहाँ पे 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, 7,99,992। ओके, 7,99,992 जो है डिफरेंस आ जाएगा। ओके, यस, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का क्या है? सेकंड नंबर है आपका, नंबर इज
15,80,776. ओके 80,000, 15,80,776 है। तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे इस नंबर की, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, 8 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो। ओके तो 80,000 हो जाएगा। ओके ये हो गया 80,000, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 80,000। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8, फेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8 हो गई। यस डिफरेंस, नाउ डिफरेंस करना है, डिफरेंस हो गया 80,000 माइनस 8, ये कर दो डिफरेंस इसका। ओके तो यहाँ पे रह जाएगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 7, 79,992 हो गया आपका डिफरेंस। ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। क्वेश्चन है आपका स्टार्ट करते हैं, देखिए ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में नंबर इज, नंबर लिख देते हैं पहले। ओके नंबर इज 2, 2, 3, 5, 2, 5, 7। ये 5 है, ये 5 है, इन दोनों 5 की प्लेस वैल्यू का सम निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 50, वन स्टैंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू वन स्टैंड 100,000, 5,000 हो गई। ओके तो सम ऑफ 2 5s, तो हो गया 50 प्लस सम ऑफ 2 5s प्लेस वैल्यू, यहाँ लिखना है प्लेस वैल्यू। ओके ये तो प्लेस वैल्यू लिख दिया, और 50 प्लस 5,000, 5,000 हो गया और 50 हो गया, तो कितना हो गया 50,050। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2s कितना हो गया 50,050। ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में सब क्वेश्चन आपको ही करने हैं, क्वेश्चन ओनली वन क्वेश्चन मैं करूँगा। ओके एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, रिवाइज में भी कर रखे हैं और लास्ट एक्सरसाइज में भी कर रखे हैं, आपने लास्ट क्लासेस में भी कर रखे हैं। ओके यस क्लास फोर्थ एक्सपेंडेड फॉर्म का है फर्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 2, 7। ओके पीछे से स्टार्ट करते हैं, 7 को ओनली 7 लिखेंगे, प्लस 20 लिखेंगे, प्लस 500 लिखेंगे, प्लस 3000 लिखेंगे, प्लस 20,000 लिखेंगे और 1,00,000 लिखेंगे। ओके तो प्लेस वैल्यू स्टार्ट यहाँ पे इसे भी कर सकते हैं, आगे से भी 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है, पीछे 50 लगाओ तो 1 के पीछे 50, 1, 2, 3, 4, 5। ओके प्लस 2 के पीछे 40 लगाओ तो 2 के पीछे 40, प्लस 3 के पीछे 30, 3 के पीछे 30, प्लस 5 के पीछे 320, प्लस 2 के पीछे 10, प्लस 7 एज इट इज। ओके ये हो गई प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ओके काउंट करते जाना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, तो ये हो गया 1,00,000, ये हो गया 20,000, ये हो गया 3,000, 500, 20 और 7। ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आपको खुद को ही करने हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड है। यस गुड बाय क्लास।